तो हम एक और तैयार हैं एक और यात्रा पर, और इस बार जा रहे हैं हम मुजफ्फरपुर टू आनंद विहार, सप्त क्रांति 12557, और हमारा कोच नंबर है B2। चलो, ये हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इधर इस तरफ खोलो, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, और आपको हम थोड़ा मुजफ्फरपुर की का नज़ारा दिखा देते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म है वैसे ही जर्जर अवस्था में है, तो चारों दिशाओं में यहाँ से ट्रेन पास करती है। अभी एक ट्रेन पास कर रही है एक नंबर प्लेटफॉर्म से, और इसको हम नज़दीक से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन कौन सी है। ये ट्रेन आपको बता दें कि ये है अहमदाबाद हमसफ़र एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस है ये बेसिकली, ट्रेन दरभंगा के लिए जा रही है, और ये अहमदाबाद से आ रही है, यानी गुजरात वाली ट्रेन है। ए बालेनाथ विश्वकर्मा, एकाध करोड़ के बंडल दे दिया कहीं क्या मारता है। अलविदा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर से ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, और प्लेटफॉर्म पर जो है रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। इस समय भीड़भाड़ आप देख रहे हैं, तो ये बहुत ही व्यस्त उत्तर बिहार का स्टेशन है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से जो है आपकी स्थिति आप देख लीजिए कि प्लेटफॉर्म वही जर्जर पुराना बिल्कुल, जो पिछली बार हमने आपको दिखाया था 2 साल पहले, वैसी स्थिति यहाँ पर है, और कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। और जो स्मार्ट सिटी या एक बड़ा शहर का प्लेटफॉर्म या स्टेशन होता है वैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सब क्रांति एक्सप्रेस से यहाँ से रवाना होती है ठीक अपने समय पर, 11:35 पर ये ट्रेन रवाना हो चुकी है, और ये वाया मोतिहारी नरकटियागंज होते हुए ये ट्रेन आनंद विहार नई दिल्ली तक जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं रेनोवेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर सीढ़ी बनाया जा रहा है, और यहाँ सीढ़ी का काम हो रहा है, नीचे टाइल्स वगैरह का भी काम चल रहा है। ये फुट ओवर ब्रिज का जो है पिलर आप देख रहे हैं ये खड़ा कर दिया गया है। तो रेनोवेशन का काम पिछले बार भी जब हमने दिखाया था आपको 2 साल पहले तो भी चल रहा था, और अभी भी चल ही रहा है। ये फाइनल मुजफ्फरपुर को अलविदा कहते हुए यहाँ से विदा कर दिया गया, मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर है, और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो रही है, 3 नंबर से। तो हमारे साथ यहाँ के एक ट्रेन में यात्रा करने वाले जी कोच अटेंडेंट है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, आप तो रोज़ आते होंगे इस ट्रेन से, क्या लगता है ये मतलब स्टेशन ऐसी स्थिति बनी रहती है इसकी, या कुछ सुधार है इसमें? नहीं, जब से देखिए यही, अभी तक कुछ सुधार है नहीं है। तो ये हम ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नमस्ते। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक? और कुछ नहीं, मेरी गाड़ी में है, वेलकम है। तो इस समय आपको ट्रेन खाली नज़र आएगी आमतौर से, क्योंकि जो असली पैसेंजर हैं वो चढ़ेंगे मोतिहारी में। और इस समय देख रहे हैं आपकी यहाँ पर चादर और तकिया को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम चल रहा है इस समय, और हालांकि यात्री अभी पूरे नहीं आए, खाली आपको दिखाई दे रहा है। आगे जो यात्री आएंगे वो मोतिहारी के बाद आएंगे, मोतिहारी में ज़्यादातर लोग चढ़ते हैं इसमें। तो असली जो फ़ायदा है वो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन का है, यहाँ पे इक्का दुक्का यात्री आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आमतौर से पूरी बोगी खाली पड़ी हुई है, और चादर और तकिया जो है उसको देने का काम किया जा रहा है इस समय। ये पहला स्टॉपेज सप्त क्रांति का मुजफ्फरपुर के बाद मोतीपुर, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि भागम भाग है, लोग चढ़ते हैं, यहाँ पर भी पैसेंजर्स यहाँ पर भी चढ़ रहे हैं। तो ये मोतीपुर स्टेशन को क्रॉस करते हुए, जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्नैचर मोबाइल स्नैचर का भी गैंग एक्टिव है। तो बताते हैं कि जब गाड़ी स्लो हो
एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर यात्री आप सफर कर रहे हो तो मोबाइल रिकॉर्डिंग या मोबाइल गेट के सामने आप जो है थोड़ा एहतियात बरतें जब स्पीड। तो अब हम आ गए हैं महसी आ गए हैं। यहाँ भी स्टॉपेज है इस ट्रेन का, और आपको बता दें कि ट्रेन जो है वो गोरखपुर तक एक पैसेंजर की तरह ही चलती है, और गोरखपुर के बाद ये ट्रेन जो है उसका सुपर फास्ट का लुक नज़र आएगा। तो आप देखिए यहाँ से ट्रेन की स्थिति, सप्त क्रांति मुजफ्फरपुर आनंद विहार, ट्रेन तैयार है निकलने के लिए, सायरन बज गया है और हम भी अब सवार हो रहे हैं। ट्रेन खुल चुकी है और हम सवार हो जाते हैं ट्रेन पर, और ये आपको चलते हुए दिखाते हैं। चेट दिखाई दे रहा है इस महसी पे, यहाँ से ये ट्रेन रवाना होते हुए, और ये चूँकि डबलिंग हो रही है इस कारण से ये आपको दिखाई दे रहा है काम। उस तरफ आप देखिए कि नए प्लेटफॉर्म, नया जो ट्रैक बिछाने के लिए अभी मिट्टीकरण का काम चल रहा है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर मिट्टीकरण का काम हो रहा है। चूँकि डबलिंग होना हो रहा है इसलिए काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर पनियावा जो डबलिंग लाइन है वो भी काफ़ी महत्व के साथ रेलवे उसको देख रहा है। तो आपको दिखा रहे हैं यात्रा, अभी इस समय जब महसी से निकले हैं तो ये 4 लेन हाईवे मिला है यहाँ पर, जो गोपालगंज से होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है। ये 4 लेन हाईवे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और साथ में साथ ये डबलिंग की जो लाइन है, नई लाइन पे इस समय गाड़ी चल रही है, और आप देख रहे हैं इस समय 4 लेन के पैरेलल समानांतर हमारी ट्रेन चल रही है। तो इस वक्त ट्रेन चकिया से निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। चकिया जो यहाँ पर स्टॉपेज है सप्त क्रांति का, धीरे धीरे ट्रेन सरकती हुई, और यहाँ से भी कई पैसेंजर्स इस बोगी में सवार हुए हैं, तो यहाँ से भी ठीक ठाक पैसेंजर्स का यहाँ से मूवमेंट है पूर्वी चंपारण का। और इस तरह से हम चकिया के प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब आपको हम डबलिंग का काम चकिया से दिखाते हैं कि जो मुजफ्फरपुर नटकटियागंज दोहरीकरण का काम हो रहा है वो देखिए, आपको गिट्टी नज़र आ रही है, स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए ग्राउंड वर्क दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रिटेनिंग वॉल्स बनाए गए हैं, और पीछे मटेरियल्स वगैरह दिख रहा है, यानी कि जो ब्लास्ट है वो रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो काम युद्ध स्तर पर जगह जगह पर दिखाई देता है, और इसके लिए काफ़ी अच्छी पर्याप्त मात्रा में बजट राशि भी दी जाती है रेलवे की तरफ से हर वर्ष। और ये आप देखिए यहाँ से रिटेनिंग वॉल, यानी कि इस रिटेनिंग वॉल के को ही भर करके इसकी डबलिंग का अभी मिट्टीकरण होगा और इस लेवल पर लाया जाएगा। और ये नए तरीके का एक डिज़ाइन है, चूँकि जब कटान होता है या कटाव हो उसको रोकने के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है कि इसको आप रिटेनिंग वॉल देखिए, यहाँ पर देखिए भराई हो गई है, यहाँ पर भराई कर दी गई है रिटेनिंग वॉल के ऊपर। तो अब आपको दोहरीकरण की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट रेलवे ट्रैक और स्लीपर नज़र आ रहा है, साथ के साथ विद्युतीकरण का पोल भी नज़र आ रहा होगा। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर काम लगता है बहुत एडवांस स्टेज में। जैसे जैसे हम मोतिहारी की तरफ बढ़ रहे हैं चकिया की तरफ से, वैसे वैसे काम में प्रगति दिखाई देती है। बीच में कुछ काम बचा हुआ था, पेड़ वेड़ उखाड़ने का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट ट्रैक के लेवल पर दिखाई देता है। कहीं ट्रैक बिछा हुआ, और बहुत ही लंबा ट्रैक बिछा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल DFC के टक्कर का है। अभी यहाँ पर देखिए सिर्फ गिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग है इस वजह से। और फिर उसके बाद देखिए ये आपको फिर से स्लीपर्स दिख रहे हैं, और हमें कुछ मजदूर भी दिखाई दिए, और ये देखिए यहाँ पर ट्रैक। तो काम बिल्कुल लेटेस्ट काम है, ये अभी का काम है कि मोतिहारी से पहले काम जो है वो स्लीपर और ट्रैक के लेवल पर है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म को चौड़ा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का मिट्टी भराई का चल रहा है काम, छोटे छोटे स्टेशन को विकसित कराया जा रहा है, और इस तरह से फिर उसके बाद से फिर वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इस तरफ तो ट्रैक जो है वो डबलिंग का जो है काम बहुत तेज़ गति से दिखाई पड़ रहा है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर
वो काम की गति कम है, लेकिन हो सकता है उसको आगे एक दो महीने बाद उसमें भी काम में हाथ लग जाए। तो ये ट्रेन अब मोतिहारी पहुंच रही है धीरे धीरे मोतिहारी स्टेशन में इन करते हुए, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी लेवल क्रॉसिंग की समस्या हर जगह है, और इसको लेकर के कोई गंभीर प्रयास अब तक दिखाई नहीं दे रहा ग्राउंड पे। कागज़ों पर तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी लेवल क्रॉसिंग एक बड़ी समस्या है। बापूधाम मोतिहारी पूर्व मध्य रेलवे का इम्पोर्टेंट एक स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन इन करते हुए प्लेटफॉर्म की शुरुआत, हम बाहर भी चलेंगे देखने की कोशिश करेंगे अगर जगह मिली तो। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं काफ़ी भीड़ है, लोगों चढ़ने में ही आपाधापी होती है। देखिए कितनी भीड़ है बापूधाम स्टेशन पर, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर आपाधापी मचती है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर सवारी चढ़ती उतरती, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है उतरते चढ़ते हैं। और अभी चूँकि फेस्टिवल सीज़न है तो अभी आने वाले की संख्या ज़्यादा है, यहाँ जाने वाले की कम है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बताते हैं लोग कि समय कम होने के कारण लोगों में इतनी आपाधापी मचती है कि कई बार उतरने में भी समस्या आती है, जो ज़्यादा सामान लेकर के आते हैं उनको उतरने में समस्या होती है, चढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है, और यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग सवार होते हैं, पूरी ट्रेन यहीं भर जाती है। देखिए आप खुद देखिए, एहसास कीजिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पर स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए किस तरह से अब यहाँ पर दौड़ भाग मचेगी। तो हम भी देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कौन है, इस बोगी में भी कई लोग आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आगे की तस्वीर। हमारे साथ मौजूद है हमारे साड़ू भाई भी मिल गए हैं, मुन्ना भाई। मोतिहारी स्टेशन देख लीजिए, मोतिहारी स्टेशन पर बहुत आपाधापी मस्ती है। यहाँ पर लोग सुनते हैं कि छूट जाती है ट्रेन, मोबाइल वोबाइल भी स्नेचिंग हो जाता है, तो यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग देख रहे हैं हमारा हाथ, उनको सावधान रहने की जरूरत है कि कोई भी हाथ पर डंडा मार के आपसे मोबाइल छीन सकता है, इसीलिए पॉकेट भी मार सकता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आपका घर बगल में होगा? आप बगल में है, मेरा परिवार बाल बच्चा जा रहा है, उसी से मिलने आए और कुछ सामान देने के लिए आए हैं। तो ये ट्रेन कितना देर रुकती है यहाँ पर? 5-7 मिनट का। 5-7 मिनट रुकती है ये ट्रेन में, इतना है, सब लोग तो यहीं का लगता है, ज्यादातर पैसेंजर यहीं का, सब बिहार के इधर इसी रूट का होता है, मुजफ्फरपुर से लेकर नरकटियागंज। नहीं, हम देखे हैं कि ज्यादातर लोग चढ़ा है यहीं, बेतिया में भी चढ़ेगा, नरकटियागंज में, सब इस जगह पे लोग चढ़ते हैं। तो पूरा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का सारा ये लाइफ लाइन समझ लीजिए। तो ट्रेन मोतिहारी बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से खुल चुकी है, धीरे धीरे यहाँ से निकल रही है। तो हमें जैसे बताया गया कि ये ट्रेन एक नंबर पे आती है, लेकिन इस बार ये ट्रेन 2 नंबर पे आई, अचानक आपाधापी मची यात्रियों में, और वो किसी तरीके से इसे पकड़ने के लिए, चूँकि समय कम होता है चढ़ने उतरने का, इसलिए आपाधापी मचती है। और जब लास्ट समय पर आप जब आप एक नंबर से 2 नंबर पर, हाँ बी टू है, तो ये बी टू में हम लोग सवार हैं। और आपको बता दें कि जब आपाधापी लास्ट समय में उस समय मस्ती है जब आपकी ट्रेन शेड्यूल हो 1 नंबर पर आने की और आप 2 नंबर पर ले आएँ, तो उस समय यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि समय इसका बहुत ही कम है यहाँ पर स्टॉपेज, इसलिए लोग को डर रहता है कि कहीं वैसे गाड़ी ट्रेन छूट ना जाए, इस कारण से ये समस्या यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आमतौर से पूरी ट्रेन बताया जाता है कि यहीं खड़ती है, यहीं खाली होती है आगे, हालांकि आगे भी कई यात्री बेतिया में या बगहा में, बेतिया में, नरकटियागंज में बहुत सारे यात्री इस पर सवार होंगे। तो बाय बाय बापूधाम मोतिहारी, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, यहाँ बापू आए थे, यहाँ सत्याग्रह हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक LC भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए गाड़ी धीरे धीरे आउटर से निकलती हुई यहाँ पर एक, तो ये ट्रेन पास करती हुई सगौली स्टेशन से, सगौली में भी स्टॉपेज है, और सगौली चूँकि जंक्शन है यहाँ से, आपको बता दें कि हाजीपुर सगौली जो लाइन है वो यहीं आकर रुकेगी। तो हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, आयुष हैं। आयुष, कैसा लग रहा है सफ़र? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या एक्साइटिंग है या बोरिंग है? अभी तो ठीक है। तो इस गाड़ी की जो साफ़ सफाई है वो भी आपको दिखा दें कि अभी जस्ट एक बच्चे ने यहाँ पे
थोड़ी सी गंदगी की थी, उल्टी की थी, तो उसकी साफ़ सफाई फ़ौरन की और स्प्रे भी मारा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि ट्रेन अब बेतिया आ चुकी है और यहाँ भी ठीक ठाक पैसेंजर नज़र आते हैं। यहाँ भी तो बेतिया स्टेशन से गाड़ी निकलते हुए बेतिया स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी हिल स्टेशन या पहाड़ के एरिया में आ गए हैं। बड़ा भी बहुत ही खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है। ये आमतौर से पौधे के ऊपर में इस तरह के फूल, सफ़ेद फूल उगाते हैं। तस्वीर अद्भुत तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि शानदार अद्भुत तस्वीर नज़र आती है। चारों तरफ सफ़ेद फूल से ऐसा लगता है कि फूलों का बाग है एक तरह का। जहाँ भी नज़र दौड़ाइए आपको नज़र आएगी सफ़ेद चादर फूलों की। ऐसा लगता है जैसे ये पानी की वो लहरें हैं। और तो नरगड़ियागंज हम उतरते हुए स्टेशन पर आते हुए, नरगड़ियागंज स्टेशन पर अभी समय 14:32 यानी 2:30 बज चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं इस समय और 1 पर आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन आकर रुकी है और इसी बोगी में कई यात्री सवार हो रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम नरगड़ियागंज में ही मौजूद हैं और ये ट्रेन सप्तक्रांति एक्सप्रेस यहाँ रुकी हुई है पिछले 15 मिनट से और ये ट्रेन हमें बताया गया कि बिफोर आ गई है। तो हम अटेंडेंट साहब हैं, ये क्या बिफोर आ गई है क्या ट्रेन? कितना बिफोर है? आधा घंटा बिफोर है, इसीलिए यहाँ मैनेज कर रहे हैं क्या यहाँ पर? अब आधा घंटा मेकअप करके जाएंगे फिर, तो आधा घंटा मेकअप करेंगे ये, इसलिए फिर क्या रोज़ ऐसा ऐसी स्थिति होती है? रोज़ पहले आ जाती है या आज ही? रोज़ 10-15 मिनट पहले भी आ जाती है। रोज़ 10-15 मिनट पहले आ जाती है और आज आधा घंटे पहले आ गई। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकी हुई है और यहाँ पर मौका भी था, जिनको ख़रीदारी करना था वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं, सुधा पार्लर हो या जो भी है यहाँ पर, और भी लोग चढ़ते उतरते रिफ्रेशमेंट का सामान खरीदते, तो एक समय यहाँ पर इनको ठीक ठाक मिल रहा है। तो नरगड़ियागंज से ये ट्रेन निकलती हुई नरगड़ियागंज में करीबन आधे घंटे रुकी है ट्रेन, आधे पौने घंटे, और इसलिए क्योंकि यहाँ ये पहले ट्रेन आ गई थी और ये नया जो भवन है ये स्टेशन का यहाँ बनाया गया और सेंट्रल पैनल यहाँ पर लगाया गया। आपको बता दें कि यहाँ से दो रूट की गाड़ियाँ निकलती हैं, एक तरफ तो दरभंगा की तरफ दरभंगा रक्सौल और एक तरफ बगहा छितौनी और एक तरफ जो है सुगौली मोतिहारी, तो तीन तरफ से यहाँ से रास्ता निकलता है। और यह बिहार का जो है एंट्री पॉइंट कहते हैं इसको, पूर्वी चंपारण का जो से जब एंट्री आप लेते हैं बिहार के अंदर, तो ये शुरुआत यहीं से होती है बगहा नरगड़ियागंज। तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी अहम है और आपको आगे इसमें वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है, वहाँ यहाँ ही आपको वो मिलेगा और यहाँ टाइगर सफारी भी होती है, आपको आगे दिखाएंगे अगर रास्ते में मिल गया जंगल, वो जंगल का इलाका जहाँ पर पर्यटन स्थल है एक तरह से वो, और वहाँ पर टाइगर और जंगली जानवर वहाँ पर मिलते हैं देखने को, तो पर्यटक आते हैं। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं नरगड़ियागंज स्टेशन की, नरगड़ियागंज छूटा हुआ पीछे और हमारी यात्रा अब आगे बढ़ रही है। उत्तरी छोर है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सीमा यहीं से लगती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है और नेपाल से भी यहाँ से जुड़ाव है, यहाँ सीमा वो जिसका इंतजार था जिसका इंतज़ार था वो आ गया। यही वाल्मीकि नगर का ये जंगल है, ये जंगल देख ले कितना घना जंगल है और इसी के पीछे ये टाइगर रिजर्व जो वन्य अभ्यारण्य बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा और इसको डेवलप किया गया, ये यही यहाँ से शुरुआत हो जाती है और इसी के पीछे जंगल का हिस्सा है पूरा। जंगल का एरिया देखिए आपको दिखा रहे हैं दूर से,
ये जो घना जंगल आपको दिखा रहा है, एक बेल्ट नज़र आ रहा है पूरा, वही है वाल्मीकि नगर का पूरा क्षेत्र, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। पीछे नदी आ चुकी है, गंडक नदी, और साथ में ये देखिए रोड भी जा रहा है, टू लेन हाईवे, और ये रोड के लिए भी ब्रिज बना है, और ब्रिज तो पनियाहवा हम लोग आ चुके हैं। पनियाहवा आपको बता दें यही दोहरीकरण लाइन है, पनियाहवा और मुजफ्फरपुर जो पूर्व मध्य रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, यह पनियाहवा और मुजफ्फरपुर की जो दोहरीकरण लाइन है, यही पनियाहवा स्टेशन पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, और यही वो सीमा है जहां पूर्व मध्य रेलवे की सीमा का अंत होता है, और यहाँ से फिर गोरखपुर की जो पूर्वोत्तर जो रेलवे है, पूर्वोत्तर रेलवे का यहाँ से सीमा शुरुआत होती है, इसकी पनियाहवा तक ही है, और इसलिए ये प्रोजेक्ट पनियाहवा मुजफ्फरपुर दोहरीकरण कहलाता है, नाम कहलाता है, क्योंकि ये गंडक ब्रिज को जैसे क्रॉस करके पहली स्टेशन आता है, पहला स्टेशन वो पनियाहवा ही है, और पनियाहवा पर इस वक्त सब क्रांति खड़ी हुई है। ये इसलिए भी लैंडमार्क है क्योंकि ये गंडक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद पहला स्टेशन ये होता है, और शायद यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है लेकिन कोई क्रॉसिंग होगा, इसलिए ट्रेन को रोका गया है। गोरखपुर कभी भी ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन आप देखिए गोरखपुर चमक रहा है, लाइट्स जो है गोरखपुर की, देखिए रोड के किनारे लगी हुई लाइट्स, और उसके साथ साथ खजूर का पेड़ भी, ये डिवाइडर पे बहुत ही शानदार खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। पहली बार गोरखपुर को मैं इतना सुंदर रात के अंधेरे में शाम के वक्त इस तरह से देख रहा हूँ, रोशनी से नहाया हुआ। तो सुबह का वक्त है और हम लोग डासना पहुँच चुके हैं। ये डासना गाज़ियाबाद का क्षेत्र कहा जाता है, और डासना इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जेल है गाज़ियाबाद का, और डासना पहुँच, ये ट्रेन जो है वो करीबन आधे घंटे लेट है, 50 मिनट के आसपास ऑफिशियली दिखा रहा है।